जब तक मैं मंत्र पढ़ता हूँ तब तक आप अपनी इच्छा मूल्य में रहो। ओम वीम 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 वीण हस्ते स्तुति विधव पटके आम तथा तान माता स्वानंदे नंद रूपे अविहित निरुदे प्रसिदे मुक्ति रे तम हमसा सोम शाले वलय गति हसे स्थिति दे वाम मार्गे ह्रीम 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 सिद्ध लोके कश कशकुले वीरभद्रे नमस्ते ओम ह्रीम कार जोच्चरण की मम हर हयम चरण मुंडे प्रसन्दे धाम 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 घट पाणे घट घट घंटे उग्र रूपे स्वरूपे हुम हुम कारणादे जगन भूमि तथा व्यापिनी विरम रूपे हम 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 कारणादे शिवड नमिते राक्षसानाम नियंत्री ऐं लोके कृत्यन्ति मम हर हुम चंद्र रूपे नमस्ते महामारीजंगे सिद्धनाथे मन मनो पवन चले नैवाज्ञाने अहंकारे रात्रि मध्ये शैतकांते नमस्ते ओम ब्राह्मण कविते दहन प्रगते रूपेण चुके त्रीं शक्त्या रूपवर्णाधिक प्रतरनमिते दारिम्भं पूर्ववर्णे त्रीं स्थाने कामराये गरगरूपे कोशिके स्थाष्टुपत्रे स्वच्छन्द कष्टनाशे क्षुरवरोक्षे गुह्यं भुन्दे नमस्ते ओं ह्रां ह्रीं भुं गुरुभुन्दे गर्वीर्धर्धान्याोचे ह्रीं क्रीं ग्रं द्रौं च चक्रे गर्वे सर्वबोधपुहाने ह्रीं तीर्थे ह्रीं तज्जेष्ठे युगजम्बुजे स्मेच्छदे कालभङ्गे सर्वाङ्गे रक्तघोर अधरक्तनाकरवरे वज्रदण्डे नमस्ते ॐ क्रां क्रीं कुं मां नृत्ये गुदरकरे युजोन्याहि मण्डे वज्राञ्जे वज्रहस्ते चोपजुर्वादे मत्तमाताम्बरूपे सुतेजे शुद्धदेहे ललललिते क्षयते पाण्डुनाले कुण्डल्याकाररूपे वृषभुषाभरणे जयन्ते मातर नमस्ते ॐ कारणाले पशुपशुवसिनी हस्ते शालकाणे भद्रकाली नमस्ते ओं देवी तम हस्ते स्वरूपे ओम भीम नमः। इस मंत्र को 11 बार बोलते आपके हाथ को बांध लो। ओम भीम नमः ये मंत्र बोलते हुए 11 बार बोलते आपके हाथ को बांध लो। मैं धरना जैसे ओम भीम नमः ही बनी है सारा दानी मैं मेडल में वेस्ट होनी नेत्र विचल यारा वाले मखवाले कट को निशेल की। ओम भीम नमः पंचों निशाल 11 बार ओम भीम नमः बोल के आपके हाथ को बांध लो। महालक्ष्मी चेत 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 महालक्ष्मी चेत
आवाज बता देना मूल बसा चंदन अस्त तमे शन मस्मा तो इसका फल मिलेगा। आप इधर उधर होटल में जाना, लाज में जाना, ऐसा मतलब अगर दूर से आए हुए हैं तो आप कहीं मंदिर में जाकर नमस्कार करके फिर आप कहीं जाओ, लेकिन इसका फल मिलने के लिए आप सीधा खाना खाने के बाद प्रसाद ले लेकर सीधा घर को जाते हैं तो इसका फल जरूर आपको मिलता है। अगर एक महीने में आपका काम नहीं हुआ तो दूसरा महीना तीसरे महीने तो जरूर आपकी इच्छा पूर्ण होगी होगी। जो तीन बार आए हैं लोग भोजन प्रसाद जैसे सीधा में हिंदी पे पौंडी अक्कर इक्कर पोकंडी हिंदी के पोते फलितम देवड़ में हिंदी दाकर तीसुकोस्तारु वेरे इंटिकि पोते वेरे इंटिकि पोते अभी चूसुकोनि पोंडि ఎవరైతే వేరే ఊళ్ళ నుంచి వచ్చిండో వాళ్ళు అనుకుంటే వేరే మందిరంలో పోయిన దండం పెట్టుకొని మళ్ళీ ఇంటికి పోండి, కానీ డైరెక్ట్గా ఇంటికి పోతే మంచి ముందు తప్పుతుంది. ఈ మాట జ్ఞాపకొచ్చుకోండి. యహా భీ ఆశీర్వచన బోలా జాయేగా ఆప్కే ఊపర్ తీర్థ డాలేంగే ఆప్ ఈ అక్షర డాలేంగే ఉస్కే బాద్ ఆప్ ప్రసాద్ లే లేకర్ ఆప్కే ఘర్ కో చలే జాఓ. అరే అభి ఏక్ బాత్ బోల్ రహా హూ, గురుజీ ఆప్కే సాథ్ బాత్ కర్నా హై వో బాత్ కర్నా హై ఆప్కో జో భీ జిస్ సమస్యా కే లియే ఆప్ మేరే పాస్ ఆయే హై అభీ పానీ డాల్తే సమయ హాథ్ జోడ్ కే వో సమస్యా బోల్ దో, ఆప్కీ ఇచ్ఛా పూర్ణ కర్నే కే లియే మై బైఠా హూ. जो भी आप हाथ जोड़ के जिस इच्छा के लिए आप मेरे पास आए हैं वो इच्छा बोल लो, अभी पांच मिनट दे रहा हूँ बोल लो. शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता. मैं तो वैसे आपको आने के लिए, आपको रहने के लिए, आपको खाना खाने के लिए सब फ्री ही देता हूँ, मेरे कुछ नहीं चाहिए. लेकिन शास्त्र कहता है जब हम गुरु से कुछ कर लेते हैं, दक्षिण लेते हैं, तो दक्षिणा देनी चाहिए. ऐसा शास्त्र है. दक्षिणा का ऐसा है जब आप कुछ किसी से काम करवा लेते हैं तो कुछ ना कुछ लेबर तो देना पड़ता है, समझो ये लेबर है. लेकिन यहाँ आपको आप गुरुदेव महाराज से हवन करवा लिए, दक्षिणा देना जरूरी पड़ता है. ऐसा आपकी इच्छा से जो भी हो सके, आपको ऐसा कोई डिमांड नहीं है. मैं चाहता भी नहीं, मेरे को परम गुरु सतगुरुदेव जी ने सब कुछ दिया है और उनके आशीर्वाद से ऐसा ही मैं बढ़ूंगा और आपको और भी करूँ ऐसी इच्छा रखता हूँ. आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ. आप यहाँ से गुरु चरणों में आपके आपसे जो होता है वो करके प्रसाद करके आपके घर को जाओ. आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो ऐसा ही आशीर्वाद देता हूँ. नमस्कार करके आप भगवान की जय, माता जी की जय, देव जी जय, सिद्धार्थ जी जय, सिद्धार्थ सारे परिवार की जय. शास्त्र के अनुसार गुरु चादर पहन के खाना मत खाओ. आप मामूली कपड़े पहन लेकर खाना खा लो. हाँ, आप सब लोग गुरु जी को नमस्कार करके खाना खाते हो. भोजन मैं